ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी ऐप ब्लॉक को छोड़ो, ऐप ब्लॉक को सोचो कि फालतू एलिमेंट्स है, ठीक है, फालतू एलिमेंट्स है, उनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। हम अभी बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है, बाकी पीरियोडिक टेबल। एफ ब्लॉक के बारे में भी जितना जरूरी है मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, जो मैं बताता जा रहा हूँ वो साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। मैं कम से कम 10 बार बना चुका हूँ तुम्हारे अलावा भी, तो तुम्हें भी बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैंने तुम्हारे लिए वीडियो भी एक बनाई है जिसमें मैं खाली पीरियोडिक टेबल एक बार दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। मेरा पूरा फोकस है कि तुम्हें अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, इधर देखो, ठीक है। अब देखो, मैं कुछ बातें बताऊंगा इस पीरियोडिक टेबल के बारे में, उन चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये जो मेरे एलिमेंट्स है, ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स, बेटा वीडियो उस दिन नहीं भेजी थी, अभी पीरियोडिक टेबल पूरी नहीं हुई, आज पूरी हो जाएगी, आज भेज दूंगा, ठीक है। देखो, हाँ बेटा बता दिए थे डी ब्लॉक के, बस एफ के रह गए थे, वो भी मैंने भेज दिए थे। देखो अभी इस पर ध्यान दो बेटा, इनको इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, जिनको पता है बहुत बढ़िया, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। या इसको छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए 10 बार पीरियोडिक टेबल बना चुका हूँ, लो इस पर आ जाओ, ठीक है। इसी में मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। देखो सबसे पहली बात, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक, इन दोनों को, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले को हम बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। तो एस ब्लॉक लिख लो इसके ऊपर, एस ब्लॉक, ठीक है। क्योंकि एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो मेरा एस सब शेल में जाता है, ठीक है, इस वजह से हम इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेरे फर्स्ट ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरा जो फर्स्ट ग्रुप है, इसमें क्या होता है NS1, ठीक है, जनरल कॉन्फिग्रेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है NS1, लिख लेना, ठीक है। इसमें क्या होती है मेरी NS2, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे मैं भी लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ आ जाए क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो यहां पर मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, जनरल NS1, ठीक है, यहां पर मेरी हो जाती है NS2, ठीक है, लिख लिया, इतना समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, अब हम डी ब्लॉक में आ जाते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक में हमारा क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा डी सबशेल में जाता है, इसीलिए इनको हम डी डी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन देखो कैसा होगा, यहां पर मेरा D1 होता है। बेटा मैं तो 10 बार बना चुका हूं तुम्हारे लिए, मैंने बोर्ड पर भी बना दिया एक बार, बस तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। देखो ये D1 है, ठीक है, इसके अंदर मेरा क्या होता है D2, ठीक है, मतलब क्या हो गया, यहां पर मेरा एंट्री D1 की होती है, मतलब सबकी कॉन्फिग्रेशन D1 होगी, ठीक है। तो यहां से हमें ये समझ आता है, इसकी D2 होगी, इसकी D3 होगी, इसकी D4, इसकी D5, इसकी D6, इसकी D7, इसकी D8, इसकी D9, इसकी D10, ठीक है। ये सारे मेरे क्या हो गए, इन सबको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। तो लिख लेना, इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक, ठीक है। ये मेरे सारे क्या हो गए, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, मेरा डी सबशेल में जा रहा है, ठीक है। तुम्हें दिख ही रहा है डी सबशेल फिल हुई है इधर, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या आ जाता है, ये इनको हम क्या बोलते हैं, पी सबशेल, मतलब पी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। 13 से लेके 18 तक इनको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हो जाता है वो पी सबशेल में जाता है, मतलब इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, NS2 NP1, ठीक है, 13 वाले की। फिर इसकी NS2 NP2, इसकी NS2 NP3, ठीक है, मतलब NS2 तो कॉमन ही है सब में, बस पी जो सब शेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, NS2 NP4, ऐसे ही भर लेना अगर नहीं भी दिख रहा, NS2 NP5, और लास्ट में क्या है, NS2 NP6, ठीक है, मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है। ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है बेटा, NP आएगा, तुम मेरी बात पर ध्यान दो, NP आता है यहां पर होता है N-1D, ठीक है, ये होता है N-1D, ये NP ही होता है, ठीक है। वासु बोलो क्या डाउट है, डाउट बोलो क्या डाउट है, ठीक है। हाँ, जो इस केस में है, जो हीलियम होता है, हीलियम के अंदर क्या होता है, हीलियम को अलग रखते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा ये जब अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, हीलियम को हम अलग रखते होते हैं। तो अब देखो, यहां पर मैंने तुम्हें ये बता दिया, ठीक है, ये पी ब्लॉक हो गया,
हीलियम को अलग रख लेना, हीलियम के अंदर पी नहीं आता, उसमें बस NS2 वो होता है, ठीक है। इसको हीलियम को अलग होता है, लेकिन वो भी मैं आगे बताऊंगा, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। ये तो बस अभी मैं तुम्हें जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। हीलियम को डैश कर दो कि थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इस पे ऐसे डैश कर दो, थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा लाइट लाइट डैश कर दो, ठीक है। अब बात क्या आती है, हमें क्या सीखना है कि हमें अब इसको मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल से कैसे लिंक करना, ठीक है। अब हम इसके अंदर मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल से कैसे लिंक कर सकते हैं वो चीज देख, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट ए, ठीक है, जो मेरे ये था इसको मैं क्या बोलता हूँ फर्स्ट ए, ठीक है। तो इसको लिख देना फर्स्ट ए, ठीक है। मेंडेलीव का बता रहा हूँ, मेंडेलीव ने कैसे था, ठीक है। मेंडेलीव से कई बार रिलेशन पूछ लेते हैं वो, ठीक है। टू वाले को क्या बोलता हूँ मैं सेकंड ए, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा थर्टींथ वाले को बोलूंगा थर्ड ए, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा फोर्थ ए, इसको फिफ्थ ए, फिर सिक्स्थ ए, फिर सेवन्थ ए, ठीक है। और लास्ट वाले को हम उसमें बोलते थे जीरो ग्रुप, ठीक है। अभी बी बताता हूँ कहाँ आएगा, अभी इतना लिखो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ साथ बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने सारे ए वाले भर दिए, बेटा रुको अभी तुम्हें मिल जाएगा, टेंशन ना लो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो, उसके बाद मेरा यहां पर आता है ये वाले में, ठीक है। इसके ऊपर मेरा क्या आता है, यहां पर मेरा आता है थर्ड बी, ठीक है। ये मेरा आता है थर्ड बी, शगुन बेटा अभी कराता हूँ, निमोनिक्स भी कराता हूँ, पहले ये करो, ठीक है। ये मेरी थर्ड बी होता है, ये मेरा क्या होता है फोर्थ बी, ये मेरा होता है फिफ्थ बी, ठीक है। ये मेरा क्या होता है सिक्स्थ बी, बेटा कहीं से भी करो, ठीक है। ये मेरा सिक्स्थ बी, उसके बाद मेरा क्या आ जाता है सेवन्थ बी, ठीक है। उसके बाद आता है सेवन्थ बी, उसके बाद ये मेरे सारे तीनों किसमें आते हैं, ये तीनों, ठीक है। ये तीनों मेरे आते हैं एट्थ में, याद करो मैंने तुम्हें बताया था मेंडेलीव का जो एट्थ था उसके अंदर हमारे 9 एलिमेंट्स होते थे, ठीक है, वो ये थे। उसके बाद जो मेरा फर्स्ट बी है वो फर्स्ट बी ये था, याद करो उसके अंदर मैंने क्या बताया था, जो कोइनेज मेटल होते हैं वो फर्स्ट बी होते हैं, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ये मेरा है सेकंड बी, ठीक है, समझ रहे हो। अब तुम्हें क्लियरिटी आ गई होगी कि इसका फर्स्ट है फर्स्ट सेकंड भी, वो फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, सब ऐसे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट भी यहाँ आएगा, सेकंड भी यहाँ, फिर थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवन्थ भी और एट्थ, ये तीनों आएंगे, ठीक है। अब मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता दिया कि मेंडेलीव से हम कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें, बेटा उसने बस जनरल अपना ना अपनी मर्जी से ए बी बनाया, तुम्हें बता ही दिया था ए बी क्यों दिया था उसने, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम आ रही थी, ठीक है, ऑक्साइड जो बन रही थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट ए और फर्स्ट बी ये दो होते हैं, याद रखना, बच्चे फ्लो फ्लो में क्या करते हैं इसी को फर्स्ट ए बोल देते हैं, फर्स्ट बी सॉरी, ठीक है। तो ध्यान रखना फर्स्ट ए और फर्स्ट बी और सेकंड बी यही है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये वाली बात हमारी हो गई, एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और नीचे वाला क्या है मेरा एफ ब्लॉक। अब बात आती है एफ ब्लॉक की, हम निमोनिक्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, निमोनिक्स की बात कर लेते हैं हम एक बार, वैसे मैंने तुम्हें भेज दिए थे फिर भी एक बार हम देख लेते हैं निमोनिक्स क्या उसके, ठीक है। तो आ जाओ निमोनिक्स पे आ जाओ, ठीक है, बहुत सिंपल निमोनिक्स है, ठीक है, बस इसको ज्यादा याद करने की कोशिश मत करना, ठीक है। एफ ब्लॉक वाले पे मैं फोकस नहीं करूंगा इतना, क्योंकि ये फालतू के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो देखो 58 से हमारे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो सीमा, ठीक है, सीमा पर ना दो पीएम, मतलब क्या कोई बंदा बोल रहा है कि सीमा पर ना दो पीएम, ठीक है, समान, क्या समान मत दो पीएम सीमा पर, सीमा मतलब बॉर्डर पे, ठीक है, सीमा पर ना दो, दो बस वैसे ही है, पीएम समान यू, ठीक है, सीमा पर ना दो पीएम समान यू, ठीक है। गद्दार तबाही दोबारा होगी, ठीक है, गद्दार तबाही दोबारा होगी, ठीक है। इसका थोड़ा सा एफ ब्लॉक का जो है ना बिल्कुल ऐसे नहीं बनता, हमें थोड़ा बहुत याद करना होता है, ठीक है। बेटा डी ब्लॉक का मैंने करवा दिया था, हाँ बेटा थोड़ा अजीब सा है, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा होता है तो बनाना मुश्किल होता है, तो बस इसको थोड़ा बहुत जितना याद हो सके तो देख लेना, ठीक है। डी ब्लॉक बेटा हो गया था पिछली क्लास में, कहां पर गायब हो, ठीक है, ये लेंथेनोइड्स का है, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा, अभी याद करो, धीरे धीरे हो जाएगी, अभी नोटबुक में लिख लो बस, ठीक है। सीमा पर ना दो पीएम सामान, ठीक है, यूं गद्दार तबाही दोबारा होगी, ठीक है, और तुम यहां भी लुटोगे,
ठीक है, तो क्या था वृंदा बेटा, अभी पूरी पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा, ठीक है, पहले मैं पूरे निमोनिक्स करा दूं, पूरी पीरियोडिक टेबल तुम्हारे सामने रख दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद क्या रहे एक्टिनोइड्स, तुम ये नोटबुक में लिख चुके बेटा, हर वक्त गाना नहीं बनता होता, थोड़ा सा ये एफ ब्लॉक मैंने इससे फालतू बोला है, इस पे तुम खुद बना सकते हो, तो रैप लिख लो, ठीक है, जब रैप लिख लोगे मुझे भी बता देना, ठीक है, इसका अजीब सा ही होता है, ठीक है बेटा। डी ब्लॉक के निमोनिक्स हो गए थे ना शगुन बेटा, बोल बताओ, डी ब्लॉक के निमोनिक्स तो मैंने करवा दिए थे, सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानवर, और नीचे मैंने सारे वो करवाए थे ग्रुप वाइज, मैंने करवाए थे, मुझे ध्यान है। देखो अब एक्टिनोइड्स की बारी आती है, एक्टिनोइड्स कौन से होते हैं, जो नीचे मैंने एफ ब्लॉक बनाया ना, एफ ब्लॉक जो मैंने इधर बनाया था, ये वाले ऊपर वाले मेरे एक्टिनोइड होते हैं, ठीक है, और नीचे वाले मेरे, ये ऊपर वाले लैंथेनोइड होते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले एंटीनोइड होते हैं, ठीक है, एक्टिनोइड्स, ये लैंथेनोइड्स और ये एक्टिनोइड्स, ठीक है। तो अब एक्टिनोइड्स का निमोनिक क्या है, देखो थोड़ा अजीब सा है, ठीक है, थोड़ा मैनेज करना, खुद बना सकते हो तो बना लो, बहुत अच्छी बात है, तुम रैपर हो तो। बेटा मैं इतनी बार बता चुका हूं कि याद कर सकते हो तो करो, बाकी जब जरूरत होगी मैं आगे तुम्हें बता दूंगा, अभी इसके बारे में मैं इतना नहीं पढ़ना, मैं तुम्हें बता चुका हूँ फालतू एलिमेंट्स है, तुम इस पर टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। एक्टिनोइड्स, ठीक है, इसका क्या होता है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ठीक है, THPAUNP, ठीक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, सब फेंक दो ऐसे आम, ठीक है, आम बस वैसे ही है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, सब सब फेंक दो ऐसे आम, फरमाओ मैडम, मैडम से पूछा है क्या फरमाओ, क्या खाना चाहोगी, मैडम क्या बोलती है, नाश्ता लाओ, ठीक है। तो ये थोड़े अजीब सा है, ठीक है, खुद बना सकते हो, नहीं मिलेगा, नहीं बनता इतना लंबा निमोनिक, ठीक है, तो जो थोड़ा तोड़ फोड़ के ही बनते होते हैं, ठीक है, एक्टिनोइड्स और लैंथेनोइड्स के थोड़े अजीब से ही होते हैं, ठीक है, तो इसको बस ऐसे नोटबुक में लिख लो, जब काम आएंगे तो तुम्हें याद अपने आप हो जाएंगे। दोबारा बोलता हूँ, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ठीक है, पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है, सब फेंक दो ऐसे आम, फरमाओ मैडम क्या खाना चाहोगे, मैडम क्या बोलती है, नाश्ता लाओ, ठीक है। तो ये हमारी हो गई, ठीक है, ये हमारे निमोनिक्स हो गए, एफ ब्लॉक फालतू एलिमेंट्स है, मुझे भी इनमें इंटरेस्ट नहीं है, नॉट एग्जामिनर को होता है, ठीक है, तो बस अब इसको फिल कर लो उसके अंदर, ठीक है, अपने पीरियोडिक टेबल में, यहाँ क्या आ जाएगा, सीई। पारस बेटा अभी याद मत करो, ठीक है, अभी तुम बाकी कर सकते हो कर लो, एफ ब्लॉक आगे जाकर अपने आप तुम्हें याद हो जाएगी, ठीक है, अभी इतनी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी मैं बता दूंगा। तो यहां पर लिख लो सबसे पहले सी, ठीक है, अब भर लो उसको, फिर PR, ठीक है बेटा, जो नीचे वाले होते हैं ना वो जनरली मैन मेड है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सीरियम, ठीक है, फिर PR, बताता हूं वीरू को, सीरियम, फिर PR, फिर ND, फिर PM, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी है 61 पे, ठीक है, 62 पे SM, 63 पे U, फिर GD, फिर TB, ठीक है, लिख लो इनको, फिर DY, फिर HO, फिर ER, फिर TM, फिर YB, फिर LU, मैं तुम्हें भेज चुका हूँ, ठीक है, दोबारा टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, चलो, फिर TH, फिर PA, फिर U, फिर NP, फिर PU, फिर AM, ठीक है, AM मतलब आम मतलब AM, ठीक है, फिर CM, फिर BK, फिर CF, ES, FM, MD, NO और LR, ठीक है बेटा, 66 पे DY है, DY, बाकी मैं तुम्हें पूछे तुम्हें भेज चुका हूँ मैं, ठीक है, इन पर इतना फोकस नहीं करना, मैं जिस चीज पे फोकस करने को कह रहा हूँ उस पर करो, ठीक है, ये लिख लिए सबने, लिख लिए, ठीक है, अब मैं जो चीज बता रहा हूं उस पर फोकस करना, ठीक है। यहां पर ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं इनमें थोड़ी सी हमारी कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ मतलब क्या, देखो क्रोमियम का मैंने तुम्हें बताया था एक्सेप्शनल होती है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉपर की भी एक्सेप्शनल होती है, ये तुम पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर ये मेरा क्या है, इनके अंदर क्या होता है, बाकी जो एस ब्लॉक है और जो पी ब्लॉक है, ठीक है, उनमें हमारी कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब एक जैसी चलेगी, लेकिन डी और एफ में हमारी कॉन्फ़िगरेशन बहुत बदलती रहती है, ठीक है, और किन में ज्यादा बदलती है वो मैंने मार्क कर दिया, 5, 6, 8, 9, 10, ठीक है, इनमें ज्यादा बदलती है, बाकी मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, तो 5, 6, 8, 9 शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो
यहाँ पर एक और चीज ऊपर मार्क कर लेना, जो एस सबशेल होती है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तुम्हें पता ही है। पी सबशेल में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, ये तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैंने क्वांटम नंबर्स में अच्छे से बताया था। डी सबशेल में मैक्सिमम 10 होते हैं, एफ सबशेल में मैक्सिमम 14 होते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ू, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाने वाला हूँ, मैजिक नंबर्स, मतलब वो मैजिक करेंगे। ठीक है, कैसे मैजिक करेंगे देखो। तो सबसे पहले इन मैजिक नंबर्स को नोट करो। ठीक है, मैजिक नंबर्स क्या है देखो, एस ब्लॉक के लिए सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप के लिए मैजिक नंबर लिखो, वो क्या है मेरा 2, 8, 8, 18, 18, 32। फटाफट नोट करो, इसका यूज बताता हूँ। ठीक है, ये मैजिक नंबर है, तुम्हारी पीरियोडिक टेबल में बहुत आसानी देंगे। ठीक है, मैजिक नंबर क्या है फर्स्ट ग्रुप के लिए 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, सेकंड ग्रुप के लिए क्या है 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, हेडिंग डालो मैजिक नंबर्स। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ग्रुप का क्या है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, सेकंड ग्रुप का क्या है ऐसे लिखना बिल्कुल, ताकि तुम्हें बताऊंगा मैंने ऐसे क्यों लिखवाया, 2 के नीचे कुछ ना लिखना। ठीक है, फिर 8 के नीचे लिखना 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, चलो रुक जाता हूं, तुम फटाफट इसको लिखो। थर्ड से ट्वेल्थ ग्रुप के लिए क्या है 18, 18, 32। बस अब ये लिख लो, ऐसा चमत्कार कर देंगे, मतलब कि बावला कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, थर्ड से 14th का क्या है 18, 18, 32। ठीक है, फिर 13th से 17th का क्या है 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, और फिर 18th ग्रुप का क्या है 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, तो अब ये इस बात का ध्यान देना, एक बात मुझे बताओ, अपनी पीरियोडिक टेबल देखो, फर्स्ट ग्रुप में मेरे कितने पीरियड्स है बताना, फर्स्ट ग्रुप में फटाफट बताओ, 7 है। ठीक है, तो मेरे मैजिक नंबर्स कितने हो गए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मैजिक नंबर एक कम होगा। ठीक है, सेकंड ग्रुप में मेरे कितने होते हैं देखना 6, तो ये मैजिक नंबर्स कितने हैं 5। थर्ड ग्रुप में बताना, थर्ड से ट्वेल्थ के बीच में कितने हैं 4, तो मैजिक नंबर कितने हैं 3। 13 से 17 के बीच में बताना कितने हैं 6, तो मैजिक नंबर कितने हो गए 5। 18th ग्रुप में कितने हैं 7, तो मैजिक नंबर कितने हो गए 6। ये वाली बात समझ आई नहीं आई बता दो, अब ये तबाही करने वाले हैं मैजिक नंबर्स। ठीक है, बस अब इसको नोट करो, यूज बताता हूं क्या यूज है इसका। ये 8 है बेटा, 8 है, 8, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं, इसका तुम्हें धमाका दिखाता हूं। ठीक है, हितांशु बेटा भी मैजिक करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये मैजिक कैसे कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के लिए मेरा क्या था, फर्स्ट ग्रुप में मान लो मैं तुम्हें क्या बोल देता हूं, इसके अंदर देखो सबसे पहले मेरा इसका z की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, z की वैल्यू 1 है, इसमें देखो इससे अगर मैं नीचे आऊंगा तो मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़े 2। ठीक है, उससे नीचे आ रहा हूं इन दोनों में, इसमें कितने बढ़े 8, उससे नीचे आ रहा हूं फिर कितने बढ़े 8, उससे नीचे आ रहा हूं फिर कितने बढ़े मेरे 18, उससे नीचे आ रहा हूं फिर कितने बढ़े 18, उससे नीचे आ रहा हूं फिर मेरे कितने बढ़े 32। तो ये मेरे मैजिक नंबर्स कब काम आएंगे, ये मेरे तब काम आएंगे, मान लो मैं तुमसे पूछ लेता हूं तुमसे कि तुम्हारा सीजियम का, ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो सीजियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो तुम्हें याद कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन तुम कैसे याद कर सकते हो, तुम सबसे पहले देखोगे हाइड्रोजन का, तुम्हें पता है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद यहां तक पहुंचने के लिए तुम मैजिक नंबर्स क्या ले सकते हो। ठीक है, 1 के बाद क्या 2 ऐड करो, 2, 8, 8, 18, 18। ठीक है, और यहां पर तुम पहुंच जाओगे। ठीक है, ये तुम्हारी बहुत हेल्पफुल रहेंगे तुम्हारी बताने में कि 55, या अगर कोई बोले 55 हमारा कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है ये भी हम बता सकते हैं, या हमें बताना हो कि सीजियम का तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या है तो तुम यहां से वो भी बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तुम सारे याद कर ही नहीं सकते, जितना मर्जी कर लो। ठीक है, अभी मैं तुम्हें यूज बताऊंगा, बस ये याद रखो। देखो इसके अंदर देखो मैजिक नंबर्स क्या बता रहे हैं, देखो 4 के बाद यहाँ का 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। देख रहे हो मैजिक नंबर में यही था। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाओ, इसमें कितने का गैप है 18, 8, फिर उसके बाद क्या 18, 18, 32। ठीक है, 18, 18, 32, 18, 18, 32। ठीक है, ऐसे करके हम यहां तक पहुंच गए जिंक तक। ठीक है, उसके बाद अभी इनमें आ जाओ, इनका मेरा मैजिक नंबर क्या था देखो, यहीं से आया मेरा मैजिक नंबर कि 5 से अगर मैं अगले ग्रुप में जा रहा हूँ 5 से 18 में कितना है 8। ठीक है, 8, फिर उसके बाद क्या है 18,
फिर 18, फिर 32, ठीक है। तो क्या हो गया, 8 18 18 32 32, ऐसे करके 18 8 8 18 18 32 32, ऐसे करके मेरा पूरा हो गया। और लास्ट में क्या है मेरा, 8 8 18 18 32 32, ठीक है। ये मैजिक नंबर्स क्या मुझे हेल्प करेंगे अगर मुझे किसी का भी बताना है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। अगर मैं तुमसे सडनली पूछ लूं आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है, आयोडीन तो चलो तुम्हें फिर भी याद हो जाता है, किसी का भी मैं मान लो, मैं अगर पूछ लेता हूँ एजी का क्या है, ठीक है, अगर मैं एजी का पूछ लेता हूँ तो तुम्हें एक बात बताओ, कॉपर का तो पता होगा, ठीक है, 30 तक तुम्हें पता है, ठीक है, और कॉपर के वो जस्ट नीचे आता है, ये याद हो जाएगा, कौन आगे आएगा, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, 29 में 18 ऐड कर दो, 47 आ जाएगा बेटा, क्योंकि हमारे जो ये सारे गैप्स है वो नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर है, ठीक है। देखो अगर मैं तुमसे पूछ लेता हूं टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन का मुझे बताना है, तुम मुझे बताओ टंगस्टन का एटॉमिक नंबर क्या है, टंगस्टन किसके नीचे आता है, क्रोमियम के नीचे, ठीक है, क्रोमियम के नीचे आता है, तो क्रोमियम का 24 है, 24 में 18 ऐड करो कितना हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, देखो क्रोमियम है, ठीक है, कहां गया, ये रहा 24 के बाद मैंने 18 ऐड किया 42 के बाद मैंने क्या ऐड कर दिया 32, 74 आ गया, ठीक है, ये मेरा हेल्पफुल रहेगा बहुत। अगर मैं पूछ लूं तुमसे बैरियम का बताओ, ठीक है, बैरियम का बताना क्या होगा, बैरियम बेटा अपनी नोटबुक देख के बताई जा रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो, मैं जिसके बेसिस पे कह रहा हूं बताओ वो नहीं देख रहे तुम, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछ लूं प्लेटिनम का बताओ, प्लेटिनम का हम कैसे कर सकते हैं, निकल का हमें पता है, ठीक है, 28 में 18 ऐड करो और फिर 32 ऐड कर दो, ठीक है, ये हमारा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, मैजिक नंबर से तुम कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं टेलुरियम का पूछूं तो टेलुरियम का हमें पता है ऑक्सीजन के नीचे आता है, तो क्या आ जाएगा, 8 फिर 18 और उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर दोबारा 18 और फिर उसके बाद क्या आ जाता है, टेलुरियम का आ गया 52, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, मैजिक नंबर्स की हेल्प से हम किसी का भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इस मैजिक नंबर्स को याद रखना बहुत हेल्पफुल रहेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। अब बात आती है एक और, वो क्या है मेरी, आयुपैक नेमिंग। बेटा जब तुम पीरियोडिक टेबल बोलते हो ना तो हमेशा नाम ही बोला करो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, कभी ऐसे ना बोला करो HLINA, इनके लिए बोल सकते हो, ठीक है, इनके नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं तो जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके नाम नाम से लिया करो, ठीक है, तो जहां पर जरूरत होती है जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के हमेशा नाम से ही याद किया करो, ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, बोलते टाइम ऐसे ही किया करो, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक और चीज सिखाऊंगा, वो क्या है मेरी, आयुपैक नेमिंग। मैंने तुम्हें उस दिन बताया था आयुपैक नेमिंग की बात करेंगे हम उसके बाद, ठीक है। तो हेडिंग डालो नोटेशन फॉर आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। बेटा मैं नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, हाँ कर्तव्य, हाँ ठीक है, नोटेशन फॉर आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये मेरे हेल्पफुल कब है, जब मेरा 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर हो जाता है, ठीक है, 100 से ऊपर, तो हम उनका नाम ऐसे भी दे सकते हैं आयुपैक के बेसिस पे, ठीक है। अब तो जनरली 118 तक हमें मिल गए हैं, ठीक है, लेकिन हमें अभी पूछ उनको याद करने की जरूरत नहीं है, हम उसका आयुपैक नेमिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाता है, नोटेशन फॉर आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, देखो अगर मेरा डिजिट 0 से लेके 9 तक ही हो सकता है, उससे ऊपर तो होगा नहीं, ठीक है, 10 हो जाएगा तो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो हमारे डिजिट्स क्या होते हैं, 0 से 9 तक ही होते हैं, ठीक है, तो उनके नाम क्या होते हैं, 0 के लिए हम यूज करते हैं नील, ठीक है, नील, 1 के लिए अन, अन्ना, अन्ना बोलते हैं ना साउथ वाले, अन्ना, ठीक है, ये क्या हो गया अन, 2 के लिए क्या हो गया बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट। इस बात का ध्यान रखना, कई बच्चे यहाँ हेप्ट बोल देते हैं क्योंकि हमें हेप्टेन की आदत होती है, ठीक है, तो इसके पे फोकस करना, ये सेप्ट होता है, ठीक है, यहां पर ध्यान देना, यहां पर सेप्ट होता है, हेप्ट नहीं होता, ठीक है। 7 के लिए सेप्ट यूज करते हैं, रीजन बताऊंगा क्यों यूज करते हैं, ठीक है। 8 ओक्ट, 9 हो गया इन, ठीक है, ई डबल एन। बेटा अभी तो तुम्हारी और स्टार्ट हुई है पारस,
जो जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको कहीं ना कहीं यूज होगा, जब हम उनको कोलैब करेंगे तो समझ आ जाएगा। अभी मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको बस समझो, जब उसको अप्लाई करेंगे वो आगे जाके होगा, अभी तो तुम सीख रहे हो। ठीक है, कर्तव्य बेटा ये मैंने नहीं बनाए, ये उन्होंने दिए है, नोन नहीं यूज होता। ठीक है, रीजन भी बता देता हूँ क्यों नहीं होता है। सुनो, रीजन इसलिए है कि यहाँ नोन यूज नहीं हो रहा और यहाँ पर हैप्टी यूज नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि जब उसका हम एब्रीविएशन देंगे, ठीक है, वहां पर मेरा दो बार एच आ जाएगा, फिर अगर दो बार एच आ गया तो मैं पता कैसे लगाऊंगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर सेप्ट यूज कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर नोन यूज कर देता तो नील और नोन में दोनों का एब्रीविएशन एन हो जाता। ठीक है, तो ये रीजन है उसका, समझ रहे हो? समझ गए? तो इनके एब्रीविएशन क्या हो गई, सबका फर्स्ट लेटर उठा लो, एन यू बी टी क्यू पी एच एस ओ और ई। ठीक है, तो ये मेरे क्या हो गए, उनकी एब्रीविएशन भी हमने सीख ली। ठीक है, अब इसको अब यूज कैसे करना है, अब हम यूज करना सीखेंगे। ठीक है, इनको फटाफट लिख लो, तेजस बेटा बेटा नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन ना लो। जो नहीं लिख पा रहे वो जरूरी नहीं है अभी लिखना है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। ठीक है, जो लिख रहे हैं वो लिख लो बेटा। मैजिक नंबर्स के भी मैं तुम्हें वो भेज दूंगा, अब उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, लो एक बार देख लो, जिसको देखना है मैजिक नंबर लो फटाफट देखो, मैजिक नंबर फटाफट देखो जिसने देखना है। प्रणव बेटा वन बी टू बी तो हमारी वो मेंडलीव ने अपनी वो दी थी, नोटेशन दी थी। ठीक है, तो अब आ जाओ इसके ऊपर वापिस नोमेनक्लेचर पे। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब हम आ रहे हैं एलिमेंट्स के नोमेनक्लेचर पे। ठीक है, ठीक है, अब मेरा क्या, अब हमें इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो हेडिंग है बेटा, आप तो जूम कर दिया, मैंने पास कर दिया, इससे ज्यादा जूम तो तुम्हें अंदर ही तुम्हारे पास ही पहुंच जाएगी नोटबुक। ठीक है, तो अब देखो हेडिंग क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर अबव 100। ठीक है, 100 के लिए यूज करते हैं। देखो एटॉमिक नंबर क्या है, 101, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे, 1 के लिए हमने क्या पढ़ा था, अन। ठीक है, 0 के लिए क्या था, नील। बस ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूं, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 1 के लिए फिर अन, और एंड किससे करेंगे, ईएम से। ठीक है, ईएम, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे 102 है, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाय। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब मेरा एंड में आई से एंड होगा तो मेरा ईएम है ना, जो ईएम, ठीक है, आई यू एम, उसका ही कट जाएगा, मतलब बाय और ट्राई में मेरा आई पहले ही आ जाता है ना, तो दो आई को इकट्ठे नहीं लिख सकते। ठीक है, वोवल दो इकट्ठे नहीं आते, तो ये क्या बन जाएगा, अन नील बाय एम। ठीक है, वरना सबके आगे आई यू एम ही लगेगा। ठीक है, 103 में देखो, अन नील ट्रियम। ठीक है, अन नील ट्राय अम। ठीक है, 104 पे आ जाओ, अन नील, हाँ बेटा नाम है, क्वाड क्वाडियम। ठीक है, 105 पे आ जाओ, अन नील पेंटियम। ठीक है, ऐसे ही नाम चलता रहेगा। 6 का अन नील हेक्सियम। ठीक है, मतलब 1 के लिए लिखो, 0 के लिए लिखो, 6 के लिए लिखो, तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, बेटा ये आयुपैक नेम है। ठीक है, असली नाम उनके आ चुके हैं। ठीक है, अब जो लेटेस्ट वाली है अब आ चुके हैं, लगभग सबके आ चुके हैं, लेकिन ये भी एक कन्वेंशन है। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन ही आई है कि 120 वाले का बताओ। ठीक है, अब देखो 7 का क्या, अन नील सेप्टियम। 8 का भी ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, 9 का भी ऐसा हो जाएगा, अन नील एन ई एम। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, ई डबल एन आई यू एम। ठीक है, 110 का क्या होगा, देखो 1 के लिए अन, 1 के लिए दोबारा अन, 0 के लिए नील और ईएम। ठीक है, ईएम से हमें एंड करना है। ठीक है, अब इस पर आ जाओ 111 पे, 111 बहुत मजेदार है। ठीक है, अन अन, ठीक है, अन 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 ईएम, अन 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 ईएम। ठीक है, ये मजेदार है, अन 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 ईएम। बेटा ये ईएम से एंड क्यों किया, बेटा उन्होंने नाम दिए। गगनदीप बेटा जी, आयुपैक नेमिंग अपना एक स्टैंडर्ड नेमिंग होती है, तुम्हारे से एनसीईआरटी में यही पूछेंगे, तुमसे वो उनके असली नाम नहीं पूछने वाला कोई। असली नाम तुम याद करते करते ही पागल हो जाओगे। ठीक है, 112 का क्या होगा, अन अन बायम। ये तो हमारा एक तरह से क्या हो गया, हमने कंसेप्ट समझ लिया, उसको बस अप्लाई करना है। 114 का क्या हो जाएगा, अन अन क्वाडियम। ठीक है, अब उनका सिंबल क्या है, सिंबल कुछ भी नहीं है, सबका जो फर्स्ट लेटर है उनको ऐड कर दो। ठीक है, देखो सबसे पहले
वन का यू था तो कैपिटल यू, जीरो का नील था ठीक है स्मॉल एन, और वन का क्या था यू यू, तो यू एन यू यूनू, यूनू नहीं बोलेंगे यू एन यू ही बोलेंगे उसको ठीक है। इसका क्या हो जाएगा यू एन बी ठीक है, इसका क्या हो जाएगा यू एन टी, क्योंकि अन नील ट्रायम, तो अन का यू उठा लो नील का एन उठा लो और ट्रियम का ट्राय का टी उठा लो ठीक है यू एन टी। अगले का यू एन क्यू यू एन पी ठीक है, यहां पर यू एन ई आएगा ठीक है। हाँ बेटा फर्स्ट लेटर आएगा उनका बस नाम में ठीक है, अनिल इनियम ठीक है अनिल ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा अन अन, यहां पर देखो ट्रिपल वन का सबसे मजेदार है ठीक है यू 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 ठीक है, पहला कैपिटल यू फिर सारे स्मॉल यू बेटा 118 तक ही पूछता है वो ठीक है। अब देखो यहां पर अब आ जाओ पीरियोडिक टेबल में, जो मैंने यहाँ नाम दे रखे हैं इसी बेसिस पे दे रखे हैं, अब देखो पीरियोडिक टेबल में ठीक है। देखो यहां तक तो तुम्हें 89 तक को तो पता ही है ठीक है, 89 तक एक्टिनियम तक हमने किया ही था ठीक है। आरएफ मेरा क्या होता है ठीक है, इनका कोई निमोनिक नहीं होता ठीक है, क्योंकि तुमसे पूछेगा भी नहीं, बस अपने पीरियोडिक टेबल में लिख लो ठीक है। एसी ठीक है, आरएफ क्या होता है रदरफोर्डियन ठीक है, क्योंकि रदरफोर्ड के नाम पर दिया गया ये ठीक है, तो ये तुम्हें याद ही होगा। ये डीबी होता है, इसको याद इतना नहीं करना, एसजी को जरूर याद रखना ठीक है। एसजी इसलिए याद रखना है क्योंकि ये सीबोर्जियम है ठीक है, कि रीजन क्या है क्योंकि इसने बहुत सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बनाए हैं इस साइंटिस्ट ने ठीक है, और इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है ठीक है। तो एसजी वाला इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिल चुका है ठीक है। इसका नाम क्या है सीबोर्जियम ठीक है, लेकिन याद नहीं करना। फिर बीएच क्या है बोरियम ठीक है, जो बोहर 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 अर्जे पैर को साथ है ना, उसके नाम पर एक एलिमेंट ये है ठीक है। बाकी तुम्हें कुछ याद नहीं रखना, ये एचएसआई एमटी एडीएस ठीक है। बाकी अगर मैं इनका आयुपैक नेम ठीक है, आयुपैक नेम की अगर मैं बात करता हूँ इनके, तो आयुपैक नेम ये है ठीक है। अब तो ये सारे हो चुके हैं डिस्कवर, ये भी डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी वगैरह में दिए नहीं होते क्योंकि पुरानी होती है और तुमसे कभी पूछेगा भी नहीं क्योंकि वो लेटेस्ट ही डिस्कवर हुआ ठीक है। तो उनका वो तुमसे आयुपैक नेम पूछ सकता है बस ठीक है। 122 का क्या हो जाएगा यू यू, 112 का क्या हो जाएगा यू यू बी, इसका क्या हो जाएगा यू यू टी, इसका यू यू क्यू, यू यू पी, यू यू एच, यू यू एस, यू यू ओ ठीक है। बस यू 118 तक ही तुम्हें करने होते ठीक है, कर लिए बता दो बेटा 118 तक डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है अगर लिख, चलो वो छोड़ो काम के नहीं है तुम्हारे ठीक है बेटा, पेपर में तुमसे आयुपैक के बारे में पूछेंगे वो ठीक है, आयुपैक वाला ध्यान रखना। अब क्या करना है तुम्हें, अब बस तुम्हारा थ्योरी पार्ट वापस आ गया ठीक है, थ्योरी पार्ट पर आ जाओ ठीक है। अब थ्योरी पार्ट आ गया, इसको तुम अब लिखना स्टार्ट कर दो ठीक है, मैं समझाता जाता हूँ लिखते जाओ ठीक है बेटा। ये सीबीआई जेई में भी आ जाता है आयुपैक नेमिंग, क्योंकि आयुपैक नेमिंग तुम्हारे सिलेबस में होती है और उनको एक्सपेक्टेड होता है कि तुम्हें आता होगा ठीक है। नेम नहीं पूछेगा वो नॉर्मल असली वाले नेम, आयुपैक नेम पूछ सकते हैं ठीक है। तो हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ठीक है, सबसे पहले एस लोक फटाफट डालो, आज हम लेट हो गए, मुझे लगा था आज तो हम बहुत कुछ कर लेंगे ठीक है। आयुपैक तो किसी का भी पूछ सकता है ठीक है, वो तो तुम हाइपोथेटिकल पूछेगा ठीक है। तो हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सबसे पहले लिखो एस ब्लॉक, मैं तुम्हें समझा चुका हूं ये बात एस ब्लॉक क्या होता है। हाँ बेटा ये एस ब्लॉक इसके बाद का टॉपिक है, आयुपैक के बाद का हाँ बेटा ये तुम्हारा पढ़ रखा है सारा, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो तुम्हें पता। देखो इनऑर्गेनिक है ना, इनऑर्गेनिक के जितने अच्छे नोट्स बना सकते हो ना उतने अच्छे बनाओ, मतलब कि डिटेल में, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कोई भी लाइन से क्वेश्चन उठ सकता है ठीक है। फिजिकल में तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए होती है न्यूमेरिकल्स की, लेकिन इनऑर्गेनिक में तुम्हारे नोट्स इतने बढ़िया होने चाहिए ना कि उसके बाहर से एक वर्ड भी नहीं मिलना चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे नोट्स ऐसे बन जाएंगे कि तुम्हें कुछ भी क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं आएगा ठीक है। तो तुम्हारा इस चैप्टर का थोड़े नोट्स ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये खुश रहना कि तुम्हें आगे पेपर में कभी दिक्कत नहीं होगी ठीक है। तो ये नोट्स अच्छे से बनाओ, क्योंकि पीरियोडिक अगर तुमने इनऑर्गेनिक के चार चैप्टर्स कर लिए तो तुम्हारा मेंस वगैरह में 90% सिलेबस हो गया ठीक है।
पारस इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल्स बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, ठीक है। नोट्स बढ़िया बनाओ, बस नोट्स के लिए मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ नोटबुक, ठीक है बेटा। नीट में भी आते हैं, तुम्हें नोट्स पूरे अच्छे से बनाने हैं, नोट्स पर ध्यान देना, क्योंकि इनऑर्गेनिक नोट्स पर ही बेस्ड होती है पूरी। जितने बढ़िया नोट्स होंगे उसमें से कुछ भी बाहर से नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो एस ब्लॉक, बेटा न्यूमेरिकल्स कितने आते हैं, जब मैं पेपर बनाने लगूंगा तो मैं बता दूंगा कितने आते हैं, ठीक है। तो अभी तुम थ्योरी पे ध्यान दो, ठीक है। एस ब्लॉक क्या होते हैं, एस ब्लॉक में देखो हर एक लाइन पर ध्यान देना, हर एक वर्ड पर, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, द एलिमेंट्स इन विच एन माइनस वन शेल, ठीक है, मतलब कि जो बाहर वाली शेल से अंदर वाली शेल है, ठीक है, वो कंप्लीटली फिल्ड होगी, ठीक है, इज कंप्लीटली फिल्ड। एंड द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, अब डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं जान के ब्रैकेट में भी लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें मतलब पता हो, ठीक है, बहुत डिटेल में डेफिनेशन लिखे, पढ़ते ही तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। द एलिमेंट इन विच एन माइनस माइनस वन शेल आर कंप्लीटली फिल्ड एंड डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एंटर्स इन टू एस सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल को हम और क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल या एनथ शेल, ठीक है। ये उनके नाम ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है वो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, कुछ भी नहीं है जिसकी अंदर की सारी शेल भरी हुई हो, और जो सबसे बाहर वाली शेल है, सबसे बाहर वाली उसको जो हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा हो एस सब शेल में, ठीक है, समझ आ गई। इस डेफिनेशन पर जोर देना, बहुत कुछ इसमें है, ठीक है। उसके बाद आती है एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, बेटा बिल्कुल सफिशियंट है ये नोट्स, अगर तुमने नोट्स बना लिए इसके अंदर मोर देन सफिशियंट चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप वन आता है, वो क्या है, ग्रुप वन होते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है। अब बात आती है एल्कली मेटल्स तुम्हें क्यों बोलते हैं, एल्कली नाम कहाँ से आया, वो नाम आया क्योंकि ये जो है हमारे एल्कली मेटल्स वो प्लांट ऐश से मिलते हैं, ठीक है, प्लांट ऐश, तभी उनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट ऐश, दैट इज वाई कॉल्ड एल्कली मेटल्स। बेटा एनसीईआरटी तो रीड करोगे तो अच्छी बात है, वो तो रीड ही करनी है, लेकिन नोट्स सफिशियंट है, एक बार रीड करनी तो चाहिए कोई भी बुक हो, ठीक है। एल्कली मेटल्स को हम एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो प्लांट ऐश से आते हैं, ठीक है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स, ठीक है। और दूसरा रीजन यही होता है कि वो हमें बेसिक सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है, वो भी रीजन होता है, लेकिन मेन उसका नाम कहाँ से आया, वो क्योंकि वो प्लांट ऐश से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। दूसरे कौन से आते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, जो मेरे ग्रुप टू के होते हैं, ठीक है, उनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो ऑक्साइड्स होती है वो एल्कलाइन होती है, एल्कलाइन मतलब बेसिक, बेसिक पता है ना, बेस क्या होता है, बेस, ठीक है। बेटा एल्कली मेटल्स को एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो प्लांट ऐश से मिलते हैं, ठीक है। और एल्कलाइन अर्थ मेटल को एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनकी ऑक्साइड्स एक तो एल्कलाइन होती है, मतलब बेसिक होती है, और वो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, फाउंड इन अर्थ नेचर या अर्थ क्रस्ट मान लो, ठीक है, मतलब अर्थ में पाए जाते हैं, यहाँ क्रस्ट आना होगा, ठीक है, ठीक है। अब एल्कली मेटल ये हो गए, अब एक बात ध्यान रखना, आगे मैं वैसे कराऊंगा फिर भी नोट में लिख लेना, जो बेरिलियम की ऑक्साइड होती है वो एम्फोटेरिक होती है, ठीक है। बेरिलियम क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, एल्कली की भी बेसिक होती है, एल्कलाइन और एल्कली एक ही बात होती है, ठीक है, इसका नाम क्यों पड़ा ये उसका ये रीजन है बस, ठीक है, इसकी भी बेसिक ही होती है, एल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं ना हम, ये इसलिए बोलते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड जो होती है वो एम्फोटेरिक होती है, ठीक है, अगर हम इसके नाम से बोले तो हमारा बेरिलियम इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बोल दे एल्कलाइन अर्थ मेटल की डेफिनेशन के हिसाब से कौन सा मेटल बेसिक हमें नहीं देता, मतलब बेसिक ऑक्साइड नहीं देता, तो हमारा आंसर क्या होगा, बेरिलियम, ठीक है, क्योंकि वो एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। तो ये नोट डाल के लिख लेना, बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है, मतलब वो अपनी बिरादरी के थोड़ा सा अलग है, मतलब बीच का है, ठीक है, एम्फोटेरिक मतलब बीच का, ठीक है। अब उसकी प्रॉपर्टीज लिख लो, प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत सिंपल सिंपल है, मतलब बस लिखने की जरूरत है उसकी, ठीक है। ग्रुप वन और ग्रुप टू वाले एस ब्लॉक होते हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल लाइन है, बस लिख लोगे तो बढ़िया नोट्स बन जाएंगे, ठीक है, आगे जाके तुम्हें खुशी होगी कि मेरे पूरे नोट्स कंप्लीट है, ठीक है। तो ग्रुप वन और ग्रुप टू वाले को हम एस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू कॉन्स्टिट्यूट्स एस ब्लॉक, ठीक है।
हाँ बेटा जिंक भी एम्फोटेरिक होती है, अभी मैंने उसकी बात नहीं की, वो भी हम आगे पढ़ेंगे जब ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। तुम्हारे माइंड में जो जो चीजें है सबका आंसर मिलेगा, लेकिन बिल्कुल सीक्वेंस में चलो। अभी अभी हम बस क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वो कहां पर प्रेजेंट है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे, ठीक है। तो कहां पर प्रेजेंट है ये, एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन है इनर्ट गैस, अंदर वाली तो भरी होगी और बाहर वाली में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या दो हो सकते हैं, ठीक है, मतलब 1-2, ठीक है। ये हमारी एस ब्लॉक की होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं अल्कली मेटल्स की बोल दूं जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या हो जाएगी, इनर्ट गैस NS1, अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या हो जाएगी, इनर्ट गैस NS2, ठीक है। तो मेरी जनरल क्या बन जाती है, इन दोनों की मिला के ये बन जाती है, समझ रहे हो ना। जनरल मतलब क्या हो गया, जिसमें दोनों काम आ जाए, ठीक है। तो NS क्या हो गया, 1-2 तक। ठीक है, अगला क्या आता है, गोरांगी बेटा उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम बता रहे हैं एस ब्लॉक वालों की क्या होती है। उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है इनर्ट गैस अंदर वाला तो फुल होगा, मैंने तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखाना सिखा रखा है, ठीक है, और NS1 या 2, ठीक है। मतलब क्या हो गया, देखो इधर देखो ना, समझ क्यों नहीं आया भाई, समझ कैसे नहीं आएगा, देखो यहां पर मैंने इनर्ट, याद करो मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बताई थी, NS1 होती है, इसकी क्या बताई थी, NS2 होती है, और अंदर वाली शेल पूरी भरी होती है। अगर भरी हुई होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इनर्ट गैस से हम रिप्लेस कर देते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और बाहर वाले में क्या हो जाएगा, NS1, मतलब कि मैं किसी का भी अगर तुमसे कॉन्फ़िगरेशन बोलूं, अगर मैं तुम्हें बोल दूं हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या, तो तुम बोलोगे 1s1, इसकी क्या हो जाएगी 2s1, इसकी 3s1, इसकी 4s1, इसकी 5s1, इसकी पूछूंगा इसकी 2s1, यहां पर 3s, मतलब 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, मतलब कि ये ट्रेंड बता रहा है जनरल, मतलब किसी का भी उठा लो हमेशा 2 ही मिलेंगे, ठीक है बेटा। AM है अल्कली मेटल्स, AEM है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बस मैं, ठीक है। ये मेरा ग्रुप 1 है, ये मेरा ग्रुप 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इस ब्लॉक के जो भी मेटल्स है ना वो फिक्स वैलेंसी शो करते हैं, मतलब या तो एल्कली मेटल्स की हमारी 1 होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की 2 होती है, या पता है ना तुम्हें ये, तो उनकी +1 होती है, उनकी +2 होती है, ठीक है, और इनकी फिक्स होती है। कभी भी तुम्हें ये नहीं दिखेगा कि एल्कली मेटल कोई भी +2 दिखा रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स की 1 होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल की 2 होती है, ठीक है। अगली बात क्या आती है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है, मेटल्स होते हैं सारे तो वो तो गुड कंडक्टर ही होते हैं। उससे अगला क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट मतलब ऐसे होते हैं इतने मजेदार है, उनको हम आराम से नाइफ से काट सकते हैं, ठीक है। दे आर सॉफ्ट इन नेचर, दैट इज कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, मतलब हम उनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उनका शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है, मेटल्स है, मेटल्स तो शाइनिंग करते हैं, ठीक है। डक्टाइल नेचर होता है, डक्टाइल तुम्हें पता ही है, बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं बेटा। वो हैवी वाले लगभग सारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो नीचे होते हैं ना, वो नीचे वाले मेटल्स होते हैं जनरली, जो बहुत ही नीचे होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो इतना पार्ट लिख लिया, बेटा इतनी प्रॉपर्टी सफिशियंट है, मैंने मोर देन सफिशियंट लिखवा दिए, ठीक है। तो इतना इस पर गौर मत दो, बस रीड करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब आगे आ जाओ पी ब्लॉक पे, अब तुम्हें एस ब्लॉक समझ आ गया तो पी ब्लॉक तो और आसान है, ठीक है, अगर एक में टाइम लगा बस, ठीक है। इसमें क्या होता है मेरा, देखो द एलिमेंट्स इन विच N-1 शेल आर कम्प्लीटली फिल्ड, तुम्हें पता है हमारी फिल क्या, अंदर वाली पूरी शेल फिल्ड होती है, ठीक है, और जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ एंटर करता है, पी सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। यहां से इसमें क्या फर्क आ गया, इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्या है, बस यहां पर फर्क आया, बाकी सब सेम है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल में जा रहा है, जो सबसे बाहर वाली शेल है उसकी, ठीक है। इन भारी भरकम वर्ड्स पर ध्यान देना, जैसे डिफरेंशिएटिंग हो गया, ठीक है, बाकी जो मैंने और एक वर्ड बताया था, और कौन सा बताया था मैंने, अभी आगे और बताऊंगा, चलो ठीक है। अब मेरे पी ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं, 13 से लेके 18 तक, विशाखा बेटा ऐसे जाएगा, याद करो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP1, इसकी क्या होती है, NS2 NP2,
इसमें मेरा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो मेरा पी में जा रहा है, ठीक है। देखो एस तो भरा ही हुआ है, इन सब में मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, सबसे बाहर वाली शेल, सबसे बाहर वाली शेल के पी में जा रहा है, ठीक है। अब समझ आ गई, चलो। तो अब यहां पर मेरे कौन कौन से आते हैं देखो बेटा, सेंड कर दूंगा, सब सेंड करूंगा, तुम टेंशन ना लो। बेटा ये ऑर्बिटल ही तो है, ये ऑर्बिटल इसमें जो डाल रहे हैं हम, पी सब शेल के अंदर किस में जा रहे हैं वो तो अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, अभी तो मैं सब शेल की बात कर रहा हूँ। बस वो पी सब शेल में जाना चाहिए, तुम्हारा क्या सब शेल सेम होना चाहिए बस, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, देखो अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ग्रुप 13 वो बोरोन फैमिली होती है, ठीक है, 14 कार्बन फैमिली होती है, 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को निकोजेंस भी बोलते हैं बेटा, जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है उसको हम उसकी फैमिली बना देते हैं, ठीक है। मतलब ये बोरोन सबसे ऊपर आ रहा है तो ये बोरोन फैमिली हो गई, ये कार्बन फैमिली हो गई, ये नाइट्रोजन फैमिली हो गई, ये ऑक्सीजन फैमिली हो गई, ये फ्लोरीन फैमिली हो गई, और ये नोबल गैसेज हो गई, ठीक है। बस नाम है हमने बस बोल दिया, जो सबसे ऊपर हेड बंदा है उनका, उनका नाम बस रख दिया उनके ऊपर, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना, जो ग्रुप 15 वाले होते हैं उनको हम निकोजेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो निकोजेंस अगर तुम्हें कोई बोल दे तो समझ जाना वो ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड निकोजेंस, ठीक है। निकोजेंस का मतलब क्या होता है, जो फर्टिलाइजर से रिलेटेड हो। याद करो जो नाइट्रोजन फैमिली के सब है ना बिरादरी, वो फर्टिलाइजर्स में बहुत यूज होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स में हमें नाइट्रोजन फैमिली वाले बहुत लोग मिलते हैं, ठीक है। 16 को हम और क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस, ठीक है। चैल्कोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओवर फॉर्मिंग होते हैं, ठीक है। मतलब इसका एक और नाम है, रीजन क्या है, क्योंकि ओवर फॉर्मिंग होते हैं, मतलब ओवर बनाते हैं इनमें से लगभग पूरी ऑक्सीजन फैमिली में बहुत लोग ओवर बनाते हैं, ठीक है। 15 में लगभग पूरी नाइट्रोजन फैमिली में सारे फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं, ठीक है। ग्रुप 17 को हम फ्लोरीन फैमिली भी बोल सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन फैमिली कम ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसको तुम कम ही बोलेंगे, हम इसको हैलोजन्स बोलते हैं, ठीक है। हैलोजन्स बोलते हैं, फ्लोरीन फैमिली तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, उसको हैलोजन्स ही मिलेगा, ठीक है। बेटा 15 है निकोजेंस, क्योंकि वो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है सारे, ठीक है। 16 को हम चैल्कोजेंस बोलते हैं, क्योंकि वो ओवर फॉर्मिंग होते हैं, ओवर फॉर्मिंग। 17 को हम हैलोजेंस बोलते हैं, हैलोजेंस का मतलब क्या होता है, जिनकी सोल्ट बनाने की टेंडेंसी हो। सोल्ट मतलब तुम्हें पता ही है ना, सोल्ट NaCl वगैरह तुम क्या पढ़ते हो, वो सारे सोल्ट बोलते हैं ना, NaCl, NaI, NaBr, इनकी सोल्ट बनाने की टेंडेंसी होती है, इसलिए हम इनको हैलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। और ग्रुप 18 को हम नोबल गैस भी बोल देते हैं और इनर्ट गैस भी बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। इतना नोट कर लिया बेटा, कम तो नहीं बोल सकते, होती तो कम ही है, बाकी ऐसे तो बहुत सारी गैसेस लगभग कम ही है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा तो सभी कम ही होते हैं। बेटा जीरो ग्रुप बोल सकते हैं, बाकी वो मेंडलीव ने बोला था, बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो मेंडलीव वाला आ जाएगा नाम, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो पी ब्लॉक में मेरे कौन कौन से आते हैं, 13 से लेके 18 ग्रुप तक, ठीक है। ये मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट पे पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट में, सॉरी, ठीक है, क्योंकि तुम्हें दिख ही रहा है ये सबसे राइट में आ रहे हैं, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट में है, ये मेरे राइट में, डी ब्लॉक मिडल में, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्सट्रीम राइट में। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, इनर्ट गैस अंदर वाली, NS2 भी फिल होता है तो ये भी फिक्स है, NP 1 to 6, 1 to 6 मतलब क्या हो गया हमारा, मैं तुम्हें बता चुका हूं, इसमें 1 होता है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। तो अगर मैं पूरे ग्रुप की जनरल बताना चाहूं तो मैं क्या बोल दूंगा, NP 1 to 6, ठीक है। इनके अंदर मेरे मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी, मेटलॉइड्स भी, ठीक है। मेरे एस ब्लॉक में जनरली सारे मेटल्स थे, लेकिन पी ब्लॉक में मेरे तीनों बिरादरी इकट्ठे रहती है, मतलब मिलन सारे बहुत, मेटल्स भी होते हैं इनमें, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी वेरिएबल वैलेंसी हो सकती है, एस ब्लॉक में क्या थी, फिक्स थी, हाँ बेटा वो एक्सेप्ट, वो जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाऊंगा तो बता दूंगा, अभी हम जनरल की बात कर रहे हैं। जनरल लिखे ना, जनरल मतलब क्या होता है, जो लगभग फॉलो कर रहे हैं। बेटा
शोज वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल मतलब क्या हो गया, डिफरेंट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे हम बोलना चाहिए उसको, ठीक है, लेकिन बस ये जनरल है। जनरल कैसे, देखो अगर मैं पीसीएल थ्री बोलता हूँ, ठीक है, और मैं पीसीएल फाइव बोलता हूँ, इसमें मेरे क्लोरीन प्लस थ्री, ये फॉस्फोरस प्लस थ्री में, ये मेरा प्लस फाइव में है, ठीक है, बस ये खत्म कर लो, बस यहां तक ही करेंगे, ठीक है, बस एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है, और ये सॉलिड्स भी होते हैं इनमें, लिक्विड भी, गैस भी, मतलब इस पूरी बिरादरी में कई तुम्हें सॉलिड्स मिलेंगे, कई लिक्विड्स, कई गैसेस, ठीक है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। एस ब्लॉक में जनरली सारे सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड भी और गैसेस भी होती है, ठीक है, मतलब के मिलनसार वाले लोग हैं सारे पी ब्लॉक वाले। मिलनसार कैसे हैं, एक तो वो मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड तीनों इकट्ठे ही हैं, उनके अंदर सॉलिड लिक्विड गैसेस भी रहते हैं, मतलब अलग अलग पूरी वैरायटी है यहाँ पे, ठीक है। बस आज के लिए बस बहुत है।